नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह। शेखावत बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पोलैंड और यूक्रेन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा, भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष समेत 7 के पॉलीग्राफ टेस्ट। वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज एसआईटी ने आज सीबीआई को सौंपे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भाजपा ने बोला हमला। योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन को बताया देश विरोधी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए बना है गठबंधन। तरुण चुग ने कहा, देश तोड़ने वालों के साथ है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई राज्यों के पुलिस प्रमुख रहे शामिल। अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने पर काम जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से की मुलाकात। रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ की सार्थक बातचीत। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। प्रशंसक के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने कहा, देश के लिए क्रिकेट खेलना जीवन का सबसे अहम पल। प्यार और समर्थन के लिए प्रशंसकों का जताया धन्यवाद। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा की संभावना। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भारतीयों ने बड़े ही उत्साह के साथ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और शांति का पक्षधर है। साथ ही वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता, डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई सच का पता लगाने में जुटी हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज आज एसआईटी ने सीबीआई को सौंप दिए। वहीं इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीबीआई आज संदीप घोष समेत मुख्य आरोपी संजय रॉय, 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों का काम बंद है और निकट भविष्य में कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि जांच में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने यह गठबंधन कर एक बार फिर अपनी देश विरोधी योजना को देश के सामने रख दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है? कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन
करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में है। इस दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, DGP और अधिकारियों के साथ 3 अलग-अलग बैठकें की। इन बैठकों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों को भी शामिल किया गया। साथ ही बैठक में अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख्य प्राकट्य बैठक स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ थे। इस मौके पर द्वारिकेश्वर लाल जी महाराज द्वारा उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रतिमा भी भेंट की गई। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, ये तस्वीरें आप देख रहे थे चंपारण की। और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और उन्हें गहरा करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने क्वाड पहल, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की भी सराहना की। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों के लिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। Covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Essentially, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and industrial cooperation. अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने विदेश
विदेशी रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार, सोनोबॉय और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री की जा सकेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के बीच दोनों देशों के बीच एक अहम रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन सोनोबॉय देगा। ये सौदा $5 करोड़ से ज्यादा का है। इस सौदे से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। सौदे के तहत भारत को ANSSQ 53G एंटी सबमरीन सोनोबॉय, ANSSQ 62F एंटी सबमरीन सोनोबॉय और ANSSQ 36 सोनोबॉय मिलेंगे। इस सौदे की कुल कीमत $5.2 करोड़ होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नेविगेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा को कायम रखने में भारतीय नौसेना की भूमिका की भी जमकर प्रशंसा की। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मणिपुर के दौरे पर हैं। सुरक्षा की स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में विश्वास और शांति कायम करने के उद्देश्य से ये यात्रा है। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को एक साथ लाए जाने पर काम हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्य में सामंजस्यपूर्ण संबंध हों इस पर बातचीत की गई। My main aim to come here was to review the security situation as of today in Manipur. And I was happy to see the great coordination between the security agencies and the int agencies. I had a detailed frank discussion and lot many kind of a lines of effort have come that how should we take this journey ahead. And the main aim is to ensure that there is a trust, peace and tranquility in the state. I was lucky to meet the chief minister since he was in the station and it was a very great meeting, very encouraging meeting, where we could discuss a lot of issues and we were looking for the way forward, where we are able to bring in the peace in the state and also how to get all the communities together so that there is an enhanced harmonious relationship amongst them. महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन विपक्ष द्वारा बदलापुर केस में की जा रही राजनीति के विरोध में है। महिला मोर्चा ने कहा, यह मामला संवेदनशील है और हम इस मामले में की जा रही राजनीति का विरोध करते हैं। जो घटना हुई है बदलापुर की, वो बहुत संवेदनशील घटना है। जिस घर के 4 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौनी हरकत होती है तो उनकी क्या मानसिकता हो सकती है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसमें राजनीति करने का काम महाविकास आघाड़ी ने वहां पे किया है। आज तो हम यहाँ पे बैठे हैं उनकी गिनती गिनवाने। जब इनकी सरकार थी तो ये सारी घटनाएं आप जो देख रहे हैं, ये सारी घटनाएं घटी। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते, सरकार किसी की भी हो, हम ये देखते हैं कि सरकार क्या कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश तोड़ने वालों का साथ देती रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस को जवाब देना होगा, क्या पाकिस्तान के एजेंडे को नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे कर रही है? उस एजेंडे को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोह पूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस मनमोहन सिंह के साथ फोटोशूट करवाती थी। क्या उस दौर में जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ले जाना चाहती है? उन्होंने राहुल गांधी से अपना स्टैंड साफ करने को कहा। 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार थी, उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? देश के वीर सैनिकों को उनके हत्या करने वाले
और हत्या को स्वीकार करने वाले यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस के 2004 से 14 तक के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी नेताओं का फोटोशूट करवाया जाता था, क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? और समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। एतस्मिन् शब्दकोशे ऋग्वेदात् अष्टादशतम शताब्दीं यावत् शब्दानां संकलनं कृतमस्ति। संस्कृतं विना भारतम् अभारतम् एव। जटाटविगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बितं तनोतु नः शिवं। बहराइच के जरवल नगर की मुस्लिम महिला मरियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करना भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा करने पर मरियम के पति ने मारपिटाई की और 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। मरियम ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि उसके साथ बर्बरता की गई। हमने योगी जी की मोदी जी की बहुत तारीफ की, फिर इसी तारीफ पर हमारे ससुराल वाले शौहर हमारे वो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गए, आग बबूला हो गए, बिल्कुल मारा पीटा भी। जब जान छुड़ाकर अपने भागे बाहर, बाहर वालों ने हमारी मदद की, हमारे घर पे फ़ोन किया, कोतवाली में हमारा सुलह करा दिया गया। सुलह के बाद जब हम अपने घर आए, अपने ससुराल आए, तो वहाँ पर हमें 3 तलाक देकर भगा दिया गया। पीड़िता मरियम की मां ने बताया कि मरियम को दहेज के लिए परेशान किया जाता था और मरियम के साथ मारपीट भी की जाती थी। उनका कहना है कि मरियम के ससुराल वालों को हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया गया। मरियम के मेरे ऊपर बहुत मरियम के जुल्म हुए और उनकी सास ने और घर वालों ने पहले भी जुल्म करते रहे दहेज के कारण, पैसे के कारण, और मैंने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा उनको दहेज सब कुछ दिया, कोई कमी बाकी नहीं रखी, और 1,55,000 का उनको चेक भी दिया, गाड़ी की मांग की उसमें मैंने पैसा भी दिया, वो चेक का रसीद मेरे पास मौजूद है। और फिर मरियम बहुत बार उनकी सास लोग ने मारा पीटा और शौहर भी मारता रहा, मगर इन लोग मरियम ने कुछ भी नहीं बताया। और जब इनके ऊपर तलाक दे दिया और दाल फेंक दी तब मरियम ने मुझे बताया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि मुस्लिम महिला ने मामले की शिकायत दर्ज की है, इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। एक महिला द्वारा जो कि जरवल रोड थाना क्षेत्र की बहराइच की निवासी हैं और जिनका विवाह अयोध्या में हुआ था, उनके द्वारा थाने पे एक शिकायत दी गई है कि वो अपने परिवार के साथ जब जनपद अयोध्या में घूम रही थी और उनके द्वारा वहां पर जो हाल ही में विकास कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा की एवं माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की, तो उससे आक्रोशित होकर उनके पति एवं अन्य ससुरालजनों ने उनका उत्पीड़न किया, उन पर गर्म दाल फेंकी। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें ठोस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं उनके पति की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के दूसरे दिन अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और मुरादाबाद स्थित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। 60,000 से अधिक रिक्तियों के लिए ये परीक्षा राज्यभर के 67 जिलों में आयोजित की जा रही है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की गई इस परीक्षा के प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलगांव दौरे पर महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि आगामी कार्यक्रम में हजारों लाभार्थी महिलाएं शामिल होंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियों को तैयार किया है जिन्होंने न केवल अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। मंत्रालय का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदियां तैयार करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है महिला उत्थान और इसीलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारी परियोजनाएं सरकार इस वक्त चला रही है, वो केंद्र के जरिए भी और राज्य के जरिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जलगांव में आएंगे जहां पर लखपति दीदी और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो ड्रोन दीदी
जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है उनसे भी इंटरेक्शन होगा। कितना बड़ा कार्यक्रम होगा ये। इस वक्त हमारे साथ राज्य में कैबिनेट मंत्री है गिरीश महाजन, हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो रूपरेखा जानना चाहेंगे कितना बड़ा ये कार्यक्रम होगा और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारी जो लखपति दीदी है उनका सम्मेलन यहाँ पर है, मुझे लगता है 1.5 लाख के ऊपर महिलाएं इस कार्यक्रम में आएगी, पहली बार होगा महाराष्ट्र में, तो इतनी महिलाएं कभी आई नहीं। मैं महाराष्ट्र के लिए ही कहूँगा सबसे बड़ी पब्लिक मीटिंग, मतलब महिलाओं की मीटिंग जो है ये जलगांव में होने जा रही है। लखपति दीदी जो बचत गट के माध्यम से जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो गांव की महिला है, छोटे छोटे काम कर कर उन्होंने अच्छे मैं कहूँगा पैसे कमाए हैं, अच्छा अपना बिजनेस जमाया है, ऐसी 16 लाख महिलाएं महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में मतलब देश में एक नंबर है महाराष्ट्र का। राज्य सरकार भी कई ऐसी योजनाएं चला रहा है जो कि महिला उत्थान के लिए कार्यरत है। सबसे अगर नया कोई योजना जिसके बारे में सब चर्चित है वो है लाडली बहन योजना। कितना जो है इसका असर राज्य में देख पा रहे हैं और इस कार्यक्रम में क्या लाडली बहन योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री करेंगे या फिर मंच से मुख्यमंत्री करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है इतनी अच्छी योजना महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए हमने लाई है, जैसे साल के 18,000 रुपये इनके अकाउंट में जाने वाले हैं। अपोजिशन वाले तो चर्चा करते हैं क्या दिया, 1500 रुपये दिया, इतना दिया, उतना दिया, लेकिन एक आम महिला है, गरीब महिला है, मजदूर महिला है, उनके लिए ये रकम अच्छी खासी है और उसका जिक्र तो होगा ही। राजनीति को परे रख महिला उत्थान का विकास सबसे प्रमुख लक्ष्य, इसको लेकर जो है सरकार चल रही है और इसके तहत इन सभी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन सरकार ने किया है और ये परियोजना चल भी रही है केंद्र में भी और राज्य में भी, इसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। शीर्षलार डीडी न्यूज़ जलगांव। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाल ही की आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा आवश्यकताओं को विस्तार से बनाया गया है। उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, आरओ अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्ट्रांग रूम के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग किसी भी हिंसा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे जिसमें पहले चरण में 7 जिले, दूसरे चरण में 6 जिले और आखिरी चरण में 7 जिलों में मतदान होंगे। कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं 20 तारीख से, 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। देश के पूर्वोत्तर इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। त्रिपुरा में फिलहाल भारी बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हालांकि राज्य सरकार की मुस्तैदी के चलते बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के चलते एक सप्ताह में 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र ने NDRF की टीमें, सेना की टुकड़ियाँ और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वायुसेना इस काम में लगातार जुटी हुई है। अगरतला से संचालित हेलीकॉप्टरों ने रंगमति, जतनबारी, उदयपुर, पश्चिम मालबासा, शंकरपाली और आसपास के इलाकों में फंसे स्थानीय लोगों के लिए 4,000 से अधिक खाद्य पैकेट गिराए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कुल 28 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले। नेपाल के तानाहुन जिले में शुक्रवार को एक बस हादसे का शिकार हो गई थी जिसमें सभी यात्री महाराष्ट्र के थे, जिनमें से 27 यात्रियों की मौत हो गई थी जबकि 16 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है, जिनके स्वस्थ होते ही सभी को वापस लाया जाएगा। एक बस में सफर कर रहे महाराष्ट्र के 51 यात्रियों को अन्य बस से सुरक्षित भारत पहुँचाया जा रहा है। यात्रियों को पुलिस
स्कॉट के साथ गोरखपुर लाया जा रहा है, जहां बॉर्डर पर मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है, जबकि 25 यात्रियों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद नेपाल से एयरलिफ्ट कर महाराष्ट्र भेजा जाएगा। दरअसल पोखरण से काठमांडू जा रही भारतीय टूरिस्ट बस नदी में गिर गई थी। नेपाल बस दुर्घटना मामले में बचाव अभियान और आगे की कार्रवाई पर बातचीत के लिए भारत के युवा मंत्री रक्षा निखिल खट से काठमांडू पहुंची। उन्होंने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भृगु ढुंगाना के साथ काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस संदर्भ में बातचीत की। साथ ही घायलों को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंची। काठमांडू में भारतीय दूतावास घायलों के इलाज और मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आपातकालीन राहत नंबर +9779851107021, +9779851316803 और +9779743933292 जारी किया गया है। पोखरा से काठमांडू जा रही एक भारतीय पर्यटक बस 150 मीटर नीचे मर्शियांडी नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 27 भारतीयों की मौत हो गई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।